दीवार हड़न आवगी पूरे आवगी तो फिर अंकल का सिर खाने का टाइम हो गया आपका, आपका सिर खाने का फिर टाइम हो गया इसका। राम राम जी सारा ना, हमारे कर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और भाई सुबह के बज रहे 7, मैं तो उठ लिया था 6 बजे और या तराई वगैरह करी है पापा ने, क्योंकि थी मैं थोड़ा लेट हो गया 10-15 मिनट उठने में, तो पापा ने तराई करती सारे की। तो ये कल अपना इतना काम हो गया था, आज डाल लेंगे उस पर, दिखाता हूँ कहाँ पे छोटा सा लेंटर डाल लेंगे आप। आज इसके ऊपर लेंटर डाल लेंगे आप, 3x6 का है शायद लेंटर, तो इस पे डाल देंगे आप आज। अभी सेटरिंग का सामान ले आता हूँ मैं, सेटरिंग का सामान लिया हूँ लेकिन घना पानी हो गया तो, और फिर सरिया ले आऊँगा दुकान खुलते, इतने सेटरिंग करेंगे, माँ बड़ू ऊपर चढ़ाऊँगे, इतना मैं सरिया ले आऊँगा। और ही अपनी बजरी और पीछे के लेंटर का सामान भी आ गया, बस रह गया सरिया। सरिया इतना ये सेटरिंग और माल मोड़ बनेगा, फिर हम सरिया उठा के ले आऊँगे इतने, क्यों दुकान दुकान भी खुल जाएगी। और ही बांध लाग रहा है अपना भी सरिया में, रपे रपे दिया आया और रोटो मान लाग रहा है, और ये करने लाग रहे सेटरिंग है हाड़ है। इसका आज लेंटर घेर देंगे और कड़ा पसीना पसीना आ जाओ, बैठ जाओ मैं करूँ। और ये हमारा काम साठ गया, क्योंकि थी जो सरिया बन दिया करें ना वो थोड़े बिजी हैं, तो आओगे जब आड़ा सरिया बन देंगे, सेटरिंग होगी अपनी सारी। और ये वो जो ले मजदूर लाग रहे हैं उन भाई थे, कह दी मका भाई तब तक ईट चढ़ा दो आप, फिर वो ईट चढ़ाने लग गए, क्योंकि ईटा ही पूरी कमी हो रही है ऊपर। या दीवार है ना कल या खा गई पूरी ईटा ना, एक या दीवार मेन है और एक या दीवार मेन है जो 9 इंची है, ये इन दोनों में ईट फालतू लग गई, और तो बाकी 4 इंची है कम में ईट लग गई। इस दीवार में भी कम लग गई, उड़े दो द्वार दे लग गएंगे, क्योंकि बीच में जंगला आ गया और ये हो गया। और फिर वो आ जाएंगे तो सरिया सरिया बांध के ना उन दौरे में जाल बंधवा दूंगा और इसके मैं फिट करवा दूंगा, और फिर गैल की गैल है ना इसका तेल तेल लगा के ना प्लेटा का, और आप फिर लेंटर की ढलाई कर देंगे आज। आज लगभग यो एक काम होगा, ज़्यादा काम होगा होना, क्योंकि एक तो सरिया की वजह से अटक गया और वो जो बांधड़िए हैं उनकी वजह से, और यहाँ मैडम बैठी से इसका बुखार चढ़ गया कल काम करते ही। अच्छा फिर क्या चढ़ गया? छोटा रहे 6 फुट का कौन तेरा, थोड़ा और बटवा लियो ना, आगे नहीं कर दे रहे सही है बिल्कुल। ये ऊपर वाला का ना थोड़ा ही बहुत होगी ना, ये लोए हो जाएगा बेटा दोनों काम होगा। हाँ बतेरा बहुत सही, बस 6 फुट का तो बतेरा, फिर 6.5 का हो गया बहुत से सही। ना
दोनों तो छुटवारा कर जा ना कुछ नहीं खुला रहेगा हवा लग जाएगी और दो नीचे वाले के डाल उमस ना 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 नाया ना नाया बात बराबर चक्कू ले दूं उसके काट के फंसा दे अरे ब्लेड केक रहेगी चक्कू दे दो वो भी धार कुकर को समझ में ना आए कुछ ना तू इतना दिमाग मत लगाया कर वो उसका है वो पित्तल का होगा नहीं पा वो मेरा कन्यादान मारा था वो अच्छा वो तो इसका आ रहा है कन्यादान लेके अगर मैं उसमें दूध शीत में पीऊंगा वो साफ करना पड़ेगा शीत पीऊंगा उसके में लेकिन रोटी पर पापा ये जरूर मन भर लागे कबाड़ी तो खा कबाड़ी तो कौन खा के ला रही है बुंडा हो रहा है मानती क्या तो कोने अरे यो कौन देख यो तो तरह फुटिया और बता दिया था इसमें कड़े लीके यो आपन आई पापा मेरे नु कही थी मैं टमाटर 10 रुपया कबाड़ी दे के डिब्बा ले के आऊं तेरी खातिर ये मन ने तू कैसा है तेरा बहम हो रहा है मैंने समझा मैं यार यो देख सारे उल्टे काम करेगा ये कबाड़ी का मैं ना लूं अरे कौन क्यों भाई मैं नीचे थी पापा उधर बैठे थे और मैं पापा ने बोली ऊपर रोटी वाला डिब्बा था एक पहले से रोटी दे रहे थे वो शायद संदूक तक मैं गेट रखा है और दूसरा कार्ड रखा था वो मन दे दियो मैं यूज कर लू पापा ने बेटा नया ले दूंगा मैं पकड़ना है 2 रुपये लगाए लेके जाओ था मैं बोलिया ना तू 10 रुपये तुझे कित लेके जाओ मैं दे जा बस मेरे तो वो आई बात चुकी तो मैं तू कौन फिर अंकल का सिर खाने का टाइम हो गया आपका आपका सिर खाने का फिर टाइम हो गया इसका जाओ रेस्ट कर लो सो जा दोनों के दोनों गर्मी हो रही है पापा अंकल सही कहा अंकल अपना भविष्य थोड़ा दिख जे चाह बना दू अंकल अंकल देख अंकल रोज प्रसाद कहा से लाए रंगेड़नी है अंकल से मामे कितने लड्डू खा वो डिग्गा सिरा ले सिरिया तो बांध यो नहीं यो नहीं यो ज्यादा डिग्गा ये तो बंद रहे हैं बंद ठीक है उसे बीच में रख तार बांध देते ठीक था ना ना जम जाएगा कोई दिक्कत नहीं
पानी दियो बस मिलने पानी मांगे ये तसला के 12 तसला के बन सकता है मेरा आपका तसला मैंने कम रखा कम सोने का रोल बन गया ना बस उसका उल्लंघन करेगा तो खराबी अपनी है देखो मुंह देखो कर कर लाल गेड़ मर रहा नींबू का चक्कर अरे गप्पड़ गप्पड़ खा जाएगा सुना हो क्या देखी 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 दे खट्टा भी लग कितना पैदा हो गया तू देखिए मजा ले हुआ है ए गगली मुगी बेटी गंदी चीज खावे खट्टा नहीं लगता पा ए पर खवाइए मत देख अबाग नाथ करिए बार उन्हें देख एक बंदा मुकर करेगा देख देव खवाइए मत ना देख देव देखिए देखिए आप खाली मचा तो खवा दे ठीक है बेटा गर्मी कौन से दही चूस ले खट्टा लग गया खट्टा खट्टा लग गया खट्टा लग गया पापा क्या बोले ज्यादा बना दिया है? ज्यादा बना दिया मसाला नहीं नहीं तसला बढ़ जाए तसला घट जाए पापा ये भाई पूरा नियम का है ऐसा काम करेगा 5 बजे से 1 मिनट भी लेट ना हो जाए 5 बजे चीज खत्म सारे जगह जानते हैं सारे जगह काम करते हैं ओ बेटे ए लड्डू बेटी देखा छुटकारे ले रहा नींबू के और चूसाऊं नींबू और चूसेगा ज्यादा नहीं चूसेगा और अपना लेंटर पड़ गया यो यहाँ पे पूरा हो गया यानी कि कल से अपनी चिनाई यहाँ से शू 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 करके शू हो जाएगी पूरी की पूरी अपना शू आज दिन में लगा रही थी फराटा ऐसी ताती मार था हवा देगी ने फरड़ फरड़ अगर कोई आला कपड़ा हो ना तो जब सूखा दे यो चला रही थी पूरी सारा काम करके ना बैठा था मैं और मन लाग रही है भूख है अरे देखने लाग रहा हूँ के बनाऊ के खाऊ बच रही है ले दे तो उस तक पेट भर जाएगा राबड़ी है वा दे दे फेरे मैं कटवा साफ कर दूंगी इसने तू कितने उल्टा भी क्या उड़ा मना कर कूलर साफ के इतना बुरा हाल हो रहा था इतना बुरा हाल हो रहा था पता ही है छाते लाग रहे थे क्योंकि कई दिन खुला चला लिया और खुला चलाते आंधी में रेत रात रिच चला करते इसने तो इसमें रेत पड़ा था सब कुछ इतना बुरा हाल हो रहा था इस कूलर का सकड़े बदल रही थी कि कूलर है या फिर कबाड़ खाना आराम जाना और ये मैंने सा चमका दिया और ये देखो मैंने कहती आगे तो इसमें नया बना दिया कोई कह नहीं सकता कि पुराना कूलर है और अंदर तो भी कति क्लीन कर दिया सारा वैसे तो नया है पिछली गर्मी लेके आए थे इसने और ये पापा वाले कमरे की और ये हालत इसने करूंगी तड़का साफ क्योंकि उसे दिन साफ कराया था तो कल मशीन चलाऊंगी जो पापा के बेड की चादर चुदर दूंगी क्योंकि सब की मैं खराब हो रहा कति और नरा रेत रात चढ़ रहा है इसने तड़का साफ करूंगी सारे कमरे ने और पंखा की तो आप शकल देख लो कि शकल हो रही पंखे की तो इसने तड़का साफ करूंगी और मेरे कमरे ने साफ करने लग रही आज ऊपर कुछ काम तो था कौन वैसे फिर मतलब थाली भी कौन थी और काम भी कौन था फिर इन चाह साफ करें और ये पापा ने कमरे ने क्योंकि 6 बजे फिर नाऊ दूंगी रोटियां करूंगी तो ये फिलहाल वो कर दूंगी उसकी चादर चुदर तार के सेट कर दूंगी पापा वाले की और फिर मैं कल कर दूंगी ऊपर का भी करूँ खुद के कमरे का भी और ही पापा वाले कमरे ने समझवाऊंगी सारे ने कुछ ना कहा ना
गर्म पानी पिया था बस। ना खाया। नू कौन देखा था घंटा तो एक लेने से दुखी हो रही कुंडल मरे तो आना था ना कमरे में सर तुम्हें साफ करना। कितनी नौकरानी बना रखी जुमा? नौकरानी क्या मैं तो? फिर नौकरानी बना रखी सु काम काम लेना बस। मैं उन्हें कह सकता ला बना रखे थोड़ा बहुत फालतू बना लो कि मैं भी तेरी रोटी सब्जी बनाती होगी जब मैं खुद खुद की बनाए खाऊं तो कितना कंट्रोल कर लेगा। के आग बबूला हो रही है फिर मैंने भूख ना लगती आप तो आधी रात ना चीज से ये मुंह तो निकलते आधी रात ने के मांग ली मैंने हाँ तो हम तो कुछ ना मांगते देख के दुखी हो रही है बता के खाओगे के बनाओ तेरे घर तो अपने बांडे ना मैंने कुछ ना खाती मैं तो बांडे ना तो मान देती हूँ मैं कोई दिक्कत को नहीं और बता और क्या सेवा करूँ बता देख के दुखी हो रही दुखी क्या तो हो रही तू नू तो बता जब पूरा करता खुद करेगा जब मेरा पटेगा दुखी क्या तो हो रही है थोड़ा बहुत भी नुकसान ऊपर नीचे की मैं करवा दे सारा ऊपर है कहूँ पे खुद जाकर मनाना करूँगी कई दिन में दो तीन दिन में करे हाथ जो सारा रेती करे शरीर सब बुरा हो रहा था पापा कमरा इतना बुरा हाल हो गया कभी इतना रेत चढ़ रहा है पंखा रो तो रहा है कि किस हाल में क्या तक कर पड़े रहने दे क्यों पड़े रहने दे उस पर दूध चार रोटी सी बुंडी डाल के डाल रखी है चादर इतना देख चल देखी फोन वीडियो बना रखी से पूरी मैं जाऊं कि तो बाहर हां जाऊं यार दोस्त रहा क्या लाग रही अपने नाम तो बात ठीक है कूलर भीतर करवा दे आगे करूंगा मैं न्यूज़ ना आग लगा मुटिया तेरे करके देख ना करेगा देख तेरा बहुत हो लिया ही सारी जाली बार पड़ी गाल में छो मठाओ चार साल दिन डक डकान देने तो मतलब हो रहा तेरे को उत्ती बैर को लिकट लिया है चल तो टेम हो रहा है लगभग रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं बाहर जा रहा था गोलगप्पे खा के आया हूँ मैं 10 के क्योंकि शरीर में ना वो खाया मखा मगर शरीर में नू टूटा टूटा सा और गर्मी और नू ना हाथ और नू बड़बड़ से उठा है मेरा ने क्या हो रहा है क्योंकि काम करे जब ये घर बनाया जब तो अपने हाथों तो बनाया था सब कुछ यानी कि एक मजदूर एक मिस्त्री था और बाकी मैं मम्मी और मेरा छोटा भाई थे हम तीनों लागे रहा करते रात को ईंट चढ़ा दिया करते 500-600 रुपये 500-600 ईंट चढ़ा के और फिर सोया करते फिर खाना खुना खा के 10-10:30-11 बज जाया करते और फिर तड़के फिर उठा करते 6-6:30 बजे और युवा बेरा ने कट दारी क्योंकि उसने ना बोला बाहर जाओ तो मेरे खातर के मैं लेके आई है तो ले आऊँ मैं ये मोमोज और मोमोज रज होगी खाया करें आड़े ही सार में मिला तो इसे हैं दिल्ली जिसे मिलते को ना मगर ठीक है काम चला उसे मिल गया हाँ और ये बेरा ने कट जा रही से और आज लेंटर लग गया एक काम तो फारिक होया हमारा आदमी सारा दिन काम करो और फिर उसकी लुगाई नाल जावे फिर खतरे छिपकली भड़काओ होएगा पहले तो अरे अनुवाद दिल चलाते करे तो गेट पास दे ऊपर डर को लागे भीतर बड़ गिर उस देखो वो वाश तो चिपक गई अब तो रोने लगे मैं तू नाले में तो नहाता कर मैं तो नु सोच हूं ना हाँ बता तो दी इतना थक रहा हूँ बस खाट में पढ़ते नींद आओगी क्यों सारा दिन होगा आज लेंटर भी गिरवा फिर के मैं को 3-4 चक्कर रोड के काटे सरिया सरिया लाया बस सारा दिन नोए भागम भाग रहा है मैं और एक टाइम हो रहे 10:30 और सलात नीचे सो गई क्योंकि मैं नीचे सो जाऊंगा आज पर यू नु बोले कूलर साफ तो कर दे लेकिन इसकी इतनी हिम्मत को नहीं कूलर ने ठुआ के मेरे पे भीतर दरवाजे बोला दरिया को नहीं बकेले बैठा के तो मेरे पे दरिया ना जाओ कूलर क्योंकि आपने बेरा के लिए तो किसी पर कूलर आ जाओ फिर गेट भी तो भीड़ा है बहुत मुश्किल तो पड़ना पड़ा है वो फिर ऊपर सो जा मतलब ठीक है ऊपर सो जाएंगे और आज सच में मैंने रोना भी आया क्योंकि मैं लगातार मतलब ऊपर तक काम को उखर के नीचे गई थी फिर एक घंटा सारा मैंने कूलर में और फिर खुद का कमरा और फिर पापा वाला कमरा भी बल्कि पापा के कमरे खिड़की और पंखा तो रह गया साफ ना और शायद कल टाइम लग गए बोली क्योंकि कल ईंट पकड़ानी है चटाना है क्योंकि आज काम थोड़ा कम था लेकिन तड़का मारा सारा दिन काम चल रहा है हमारा तो इस कारण देखो तड़का नहीं तो परसों जिस दिन भी टाइम लगा तो फिलहाल लेंटर लगने के बाद टाइम लगा टाइम ना लग गया
और ये मन तो नींद आने लग गई थी और ना के सारी नींद चुट गई और वो ना के मैं उतना जबरदस्ती भेज दिया मैं ना किया ये बहुत खुद लेट सो गया। तो आज का था ब्लॉग हमारा ही हो, अगर अच्छा लगे तो अपने मेरा चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक और शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे करो, मामी का रिप्लाई देते रहोंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।